गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपने अटेंडेंस बना लें, और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है, बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा, तो जिनके पास बुक है वो बच्चे बुक ओपन कर लेंगे, पेज नंबर 119 यानी कि 119, और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे। ओके, तो नोटबुक वाले बच्चे ये ध्यान देंगे कि आपने चैप्टर 15 का जो शॉर्ट आंसर लिखा है यानी कि क्वेश्चन नंबर ए लिखा है, उस लिखे हुए क्वेश्चन आंसर के नीचे अगर 3 से ज़्यादा लाइन बची है तो आप बच्चे उस पेज का इस्तेमाल करेंगे, और जिनके नोटबुक में 3 या उससे कम लाइन है तो वो बच्चे उस पेज को छोड़ के न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो जो भी चीज़ लिखा है उसके नीचे स्केल की हेल्प से लाइन खींच देंगे, उसके बाद में एक लाइन में डेट, चैप्टर रिमेंबर, दूसरे लाइन में हेडिंग और तीसरे लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। और न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो डेट, चैप्टर रिमेंबर को नोटबुक में सबसे ऊपर, फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकेंड लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। तो ये तो लिखने का तरीका हो गया, लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं जो बातें रोज़ आप लोगों को बोलती हूँ उन बात को फिर से रिपीट कर दूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो दूसरे बच्चे यानी कि अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। और प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपके क्लास की वीडियो जितनी देर की होती है उतना देर का वीडियो आपको देखना है, और वीडियो के दौरान आपके टीचर्स आपको जो भी बातें बोलते हैं वो सारे बात को आपको फॉलो करने हैं, अपनाने हैं। ओके, और जिन बच्चों के पास अपनी किताबें नहीं हैं वो बच्चे अपनी किताबें खरीदवा लें। सिर्फ किताबें ही नहीं, किताब पढ़ाई लिखाई की जो भी चीज़ें हैं, लेकिन किताब मैं इसलिए बोली कि किताब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको किताब की अहमियत पता चलेगी और आप किताब रखिएगा, बुक्स खरीदिएगा, तो आप नोटबुक्स, पेंसिल, इरेजर वगैरह सभी चीज़ रखिएगा। लेकिन अगर किताब ही नहीं है तो फिर आप कैसे पढ़िएगा चैप्टर को, कैसे जानिएगा कि चैप्टर हमें क्या कह रहा है और हमें क्या एक्टिविटीज़ बनानी है। ओके, तो हमें सबसे पहले बुक पे ध्यान देनी होगी। तो जिन बच्चों के साथ जिस चीज़ की कमी हो रही है वो बच्चे उस चीज़ को पूरा करें। ओके, उस कमी को दूर करें और अपने लर्निंग को, अपने अध्ययन को सही तरह से करें, बेहतर ढंग से कर सकें। ओके, तो इन बातों को फॉलो कीजिए, ये जनरल बातें हैं लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको बताया, और रोज़ मैं हर क्लास से पहले ये बात बोलती हूँ पढ़ाई करने से पहले। ओके, चलिए अब हम लिखना शुरू करते हैं। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। मैंने बुक वाले बच्चे को बनाने को दिया था, ओके, क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी, तो बुक वाले बच्चे मैच कर लेंगे आंसर, मैं बोर्ड पर लिखूंगी, और जिनके पास बुक नहीं है यानी कि नोटबुक वाले बच्चे, तो वो बच्चे सिर्फ आंसर जैसे मैं लिख रही हूँ सेम उसी तरीके से नोट करेंगे, लेकिन समझ समझ कर। ओके, तो चलिए लिखना शुरू करती हूँ। क्वेश्चन नंबर ए है, ठीक है, द करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट है द फेमस लैंडमार्क ऑफ मुंबई इज द डैश। देखिए ये कौन सा क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इन प्रश्नों में आपको उत्तर रहते हैं यानी कि चॉइसेस आपको रहता है, उसी चॉइसेस में से चूज करके, चुन कर आपको आंसर का जवाब देना होता है। और इस तरीके के क्वेश्चन में अगर इस तरीके का खाली जगह होता है तो आपको क्या करना होता है, तो आप जिस ऑप्शन पर टिक लगाते हैं उस ऑप्शन के वर्ड को उस खाली जगह में लिखना होता है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, क्या है, द फेमस लैंडमार्क ऑफ मुंबई इज द डैश, मुंबई का जो सबसे प्रसिद्ध लैंडमार्क है, स्थल चिन्ह है, वो कौन है, तो ऑप्शन है एलिफेंटा केव्स, गेटवे ऑफ इंडिया, मैरीन ड्राइव और चौपाटी। इनमें से सबसे ज़्यादा जो फेमस प्रसिद्ध लैंडमार्क के स्थल चिन्ह है वो कौन है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया, GATE
WAY गेटवे ऑफ इंडिया, ये जो इसका है मुंबई का है, काफी फेमस है। तो हमने इस ऑप्शन पे टिक लगाया और इसी ऑप्शन के वर्ड को हम ये खाली जगह पे लिखेंगे, गेटवे ऑफ इंडिया, है ना। ये मुंबई का सबसे फेमस लैंडमार्क है, अस्तर चिन्ह है। मतलब अगर समुद्री रास्ते से कोई भी पर्यटक या कोई भी लोग यात्री अगर आते हैं तो गेटवे ऑफ इंडिया से ही मुंबई में दाखिल होंगे। अब सेकंड क्वेश्चन हम लिखेंगे, वो क्या है, द डैश इज प्रॉपर्ली PROPURLY प्रॉपर्ली PROPULARLY properly known as the queen necklace, क्या बोल रहा है, द डैश इज प्रॉपर्ली नोन एज द क्वीन नेकलेस, रानी के हार के नाम से कौन सा चीज प्रसिद्ध है मुंबई में, कौन सा जगह। तो ऑप्शन है इजल वर्ल्ड, वर्सोवा, मैरीन ड्राइव या जुहू। तो इनमें से कौन सा जो जगह है वो रानी के हार के नाम से जाना जाता है। तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा पहले बॉक्स, उसके बाद क्या लिखेंगे, मैरीन MARINE मैरीन ड्राइव BRIVE ड्राइव, और इसी ऑप्शन को हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे, तुम्हारा फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट। तो इसे अब वाइप करके नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। तो एक बार फिर से समझा दे रही हूँ, वो क्या है, द पहला है, फर्स्ट है, द फेमस लैंडमार्क ऑफ मुंबई इज द डैश, मुंबई का जो प्रसिद्ध स्थल चिन्ह है वो कौन है, तो गेटवे ऑफ इंडिया। तो आंसर हो जाएगा पूरा कंप्लीट, द फेमस लैंडमार्क ऑफ मुंबई इज द गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई का प्रसिद्ध लैंडमार्क है। उसके बाद सेकंड है, द डैश इज प्रॉपर्ली नोन एज द क्वीन नेकलेस, रानी के हार के नाम से कौन सा जगह मुंबई में जाना जाता है, तो द मैरीन ड्राइव इज प्रॉपर्ली नोन एज द क्वीन नेकलेस, मैरीन ड्राइव, मुंबई के मैरीन ड्राइव को रानी के हार के नाम से जाना जाता है, यानी कि वो प्रसिद्ध है। अब वाइप करके नेक्स्ट क्वेश्चन वो लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वो क्या है, द मोस्ट पॉपुलर टेम्पल ऑफ मुंबई, टेम्पल ऑफ मुंबई इज द डैश, क्या बोल रहा है, द मोस्ट पॉपुलर टेम्पल ऑफ मुंबई इज द डैश, मुंबई का जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वो कौन सा है। तो यहाँ पे इतना नहीं हटेगा, तो सबसे प्रसिद्ध टेम्पल कौन सा है, तो ऑप्शन है श्री सिद्धि विनायक टेम्पल, महालक्ष्मी टेम्पल, श्री मुंबा देवी टेम्पल एंड बबुलनाथ टेम्पल। तो इनमें से कौन सा जो मंदिर है सबसे ज्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है, तो वो है, हमारा काले बॉक्स हम बना लेते हैं, उसकी बात क्या है, श्री SHRI श्री सिद्धि SIDDHIVINAYAK विनायक टेम्पल TEMPLE। तो ये जो टेम्पल है श्री सिद्धि विनायक टेम्पल, ये मुंबई में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। तो इसी हम जो ऑप्शन में टिक लगाए उस ऑप्शन को खाली जगह में लिखेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे श्री सिद्धि SIDDHIVINAYAK
NAYAK विनायक टेम्पल TEMPLE है ना। देखा कि आपका जो हमारा हमने लाइन खींचा था यहाँ तक में नहीं आटा, इसलिए मैंने नीचे भी खींच दिया। ओके तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 लिखेंगे, लेकिन इसे वाइट करूँगी क्योंकि यहाँ पे नहीं आटेगा। क्या रहने देती हूँ यहीं पे, क्वेश्चन नंबर 4 भी यहीं पे लिख देती हूँ, आट जाएगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, द फेमस डेलिकेसी ऑफ मुंबई इज। मुंबई इज डैश, क्या बोला है, द फेमस डेलिकेसी ऑफ मुंबई इज डैश। मुंबई का सबसे प्रसिद्ध डेलिकेसी यानी कि मजेदार चीज जो बहुत मजा देता है वो कौन सा चीज है। तो ऑप्शन है सांबा डोसा, पाव भाजी, छोले भटूरे या रसगुल्ला। तो मुंबई में सबसे प्रसिद्ध जो डेलिकेसी है, स्वादिष्ट जो व्यंजन है, वो कौन सा है। तो पहले हम बॉक्स बनाएंगे। अब वो कौन सा बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, पाव भाजी। पाव भाजी मुंबई में ऐसे वड़ा पाव वगैरह भी काफ़ी फेमस है, कांदे पोहे भी वहाँ का काफ़ी फेमस है यहाँ पे, लेकिन पाव भाजी है तो हम पाव भाजी ही लिखेंगे। ओके तो इस ऑप्शन को हम खाली जगह में भी लिख देंगे, पाव भाजी। पाव रहता है और उसमें भाजी बनी रहती है यानी कि सब्जी बनी रहती है, और उस पाव को भाजी में खाना होता है। पाव में बटर लगे होते हैं, भाजी में भी काफ़ी बटर होते हैं, काफ़ी मक्खन होता है। ओके तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी, क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट। अब एक क्वेश्चन बचा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हम उसे बनाएंगे इसे वाइप करने के बाद। तो एक बार फिर से मैं समझा दूँ क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, द मोस्ट पॉपुलर टेम्पल ऑफ मुंबई इज द डैश। मुंबई का जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वो कौन सा है। तो हमारा ऑप्शन है श्री सिद्धि विनायक टेम्पल। तो हमारा आंसर हो जाएगा द मोस्ट पॉपुलर टेम्पल ऑफ मुंबई इज द श्री सिद्धि विनायक टेम्पल, यानी कि मुंबई का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है श्री सिद्धि विनायक मंदिर। क्वेश्चन नंबर 4 है, द फेमस डेलिकेसी ऑफ मुंबई इज डैश। मुंबई का सबसे प्रसिद्ध स्वादिष्ट व्यंजन कौन सा है। तो द फेमस डेलिकेसी ऑफ मुंबई इज पाव भाजी। मुंबई का सबसे प्रसिद्ध स्वादिष्ट व्यंजन पाव भाजी है। अब हम इसे वाइप करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट ऑप्शन वो लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट ऑप्शन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ मुंबई इज बोला है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ मुंबई इज। मुंबई का सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन सा है। तो ऑप्शन है गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी, ईद उल फित्र या दिवाली। तो मुंबई का सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन सा है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, तो पहले बॉक्स बनाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा गणेश GANESH गणेश चतुर्थी CHAGUR THI गणेश चतुर्थी, हम टिक लगा देंगे और इसी चीज को खाली जगह में लिख देंगे, गणेश चतुर्थी। ये हो गया तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि टिक द करेक्ट ऑप्शन कंप्लीट। तो एक बार फिर से समझा दूँ, वाइप करूंगी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ मुंबई इज डैश। मुंबई का सबसे प्रसिद्ध सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन सा है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ मुंबई इज गणेश चतुर्थी। मुंबई का सबसे महत्वपूर्ण सबसे जरूरी पर्व गणेश चतुर्थी है। अब वाइप करके क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स उसे हम बनाएंगे।
ब्लैंक्स, ओके। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हम क्या करेंगे, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, खाली जगह को भरें, इसका मीनिंग ये होता है। तो हम पहले जितना अटता है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर बी का वो लिख लेंगे, फिर समझा के मैं फील करूँगी, तो नोटबुक वाले बच्चे नोट करेंगे और बुक वाले बच्चे मैच करेंगे आंसर। तो फर्स्ट है मुंबई, मुंबई इज लोकेटेड लोकेटेड ऑन द कोस्ट कोस्ट ऑफ डैश सी, सी का एस कैपिटल होगा, ओके ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। सेकंड है क्रूड, सी आर यू डी, क्रूड ऑयल वॉज डिस्कवर्ड, सी ओ वी ई आर ई डी डिस्कवर्ड नियर मुंबई एट डैश। थर्ड है मुंबई, मुंबई इज फेमस फॉर डैश ऑफ इंडिया, ओके। तो मेरा तीन ही अटा है, तो मैं लिखना बंद करके आपको समझा दूं क्या है। मुंबई इज लोकेटेड, मुंबई इज लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ डैश सी, मुंबई किस समुद्र तट के किनारे बसा हुआ है। तो मुंबई कौन से समुद्र के किनारे बसा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा अरेबियन सी, ए आर ए बी आई ए एन, अरेबियन सी, यानी कि अरब सागर, अरब समुद्र के किनारे मुंबई शहर बसा हुआ है। अब है सेकंड क्वेश्चन, क्रूड ऑयल वाज डिस्कवर्ड नियर एट डैश, नियर यहाँ पे मुंबई था सेकंड में, मैंने मुंबई नहीं लिखा, नियर मुंबई एट डैश क्रूड ऑयल, है ना। अपशिष्ट जो तेल है, ऑयल है, उसकी जो खोज की गई थी मुंबई के नजदीक, तो मुंबई के नजदीक कहाँ की गई थी, तो वो कहाँ है, वो कहाँ की गई थी, बॉम्बे हाई में। बॉम्बे हाई क्या है, तो बॉम्बे हाई एक क्या है, सबसे बड़ा हमारे भारत देश का पेट्रोलियम का फील्ड है, है ना, इसीलिए। तो बॉम्बे हाई में क्रूड ऑयल का डिस्कवर हुआ था, खोज हुआ था। उसके बाद है थर्ड नंबर, मुंबई इज फेमस फॉर डैश ऑफ इंडिया, मुंबई हमारे इंडिया का, है ना, किस लिए प्रसिद्ध है, तो इंडिया के किस लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए मुंबई बहुत चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। एक तो फाइनेंशियल कैपिटल कहलाता है, वहाँ कंपनी बहुत सारी है, और फिल्म हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज की वजह से भी फेमस है। तो यहाँ पे बुक वाले बच्चे जो भी चीज़ फील किए, जैसे मुंबई इज़ फेमस फॉर इट्स, मुंबई इज़ फेमस फॉर क्या कहते हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, ये भी सही होगा। अगर आपने लिखा है मुंबई इज़ फेमस फॉर, है ना, फेमस फॉर फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना, देश की, यानी कि भारत देश की आर्थिक राजधानी के हिसाब से फेमस है, तो भी सही होगा। तो हम क्या लिखेंगे, मुंबई इज फेमस फॉर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, मुंबई जो प्रसिद्ध है भारत देश के हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, है ना, तो ये भी सही होगा। तो इस तरीके से आप फिल कर लीजिए। तो हमारा तीन हमने लिख लिया। अगर कोई बच्चे कैपिटल स्टेट ऑफ, मतलब फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ मुंबई लिखे, तो भी सही होगा, ओके। तो हमारा क्वेश्चन नंबर बी का तीन हो गया, बोर्ड पे अब स्पेस नहीं है, तो इसे वाइप करके तब मैं नेक्स्ट कराऊंगी।
तो एक बार फिर से समझा देती हूँ वाइप करने से पहले। फर्स्ट में है मुंबई इज लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ डैश सी। मुंबई किस नदी के किनारे बसा है, तो मुंबई और किस समुद्र के किनारे बसा है, तट पे बसा, तो मुंबई इज लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ अरेबियन सी। मुंबई अरब सागर के तट पर बसा हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन है क्रूड ऑयल वॉज डिस्कवर्ड नियर मुंबई एट डैश। क्रूड ऑयल यानी कि अपशिष्ट तेल की जो खोज हुई वो कहाँ, मुंबई के नज़दीक कहाँ खोज की गई, तो क्रूड ऑयल वॉज डिस्कवर्ड नियर मुंबई एट बॉम्बे हाई। मुंबई के नज़दीक बॉम्बे हाई में अपशिष्ट तेल का खोज किया गया। अब थर्ड नंबर है मुंबई इज़ फेमस फॉर डैश ऑफ इंडिया। मुंबई हमारे भारत देश के लिए फेमस है, तो किस चीज़ का फेमस है, तो मुंबई इज़ फेमस फॉर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। मुंबई हमारे भारत देश के जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है उसके लिए प्रसिद्ध है। अब वाइप करी हूँ क्वेश्चन नंबर बी का, नेक्स्ट क्वेश्चन वो लिखूँ। एम्यूजमेंट एम्यूजमेंट पार्क इन मुंबई। और फाइव नंबर है द डैश इज द कमर्शियल सी ओ MMERCIAL कॉमर्शियल एंड कल्चरल सेंटर ऑफ मुंबई। ओके, क्या बोला फिल इन द ब्लैंक्स, डैश इज एन एम्यूजमेंट पार्क इन मुंबई। मुंबई का जो सबसे रोचक एम्यूजमेंट मतलब रोचक जो पार्क है वो कौन सा है, तो आप जानते हैं वो पार्क कौन सा है, तो वो है ईजल वर्ल्ड, ESSELWORLD साथ ही मेरे कहता है, तो हो गया हमारा आंसर। ईजल वर्ल्ड इज एन एम्यूजमेंट पार्क इन मुंबई। ईजल वर्ल्ड मुंबई का सबसे रोचक पार्क है। उसके बाद फाइव नंबर है द डैश इज द कॉमर्शियल एंड कल्चरल सेंटर ऑफ मुंबई। मुंबई का कौन सा जगह जो व्यापारिक भी है और सांस्कृतिक केंद्र भी कहलाता है या है, कौन सा जगह, तो आंसर हो जाएगा फोर्ट, FORT फोर्ट। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा, द फोर्ट इज द कॉमर्शियल एंड कल्चरल सेंटर ऑफ मुंबई। मुंबई का जो किला है वो व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी यानी कि टिक द करेक्ट ऑप्शन और फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। तो सभी बच्चों का होमवर्क क्या है, रिमेंबर क्वेश्चन नंबर ए एंड बी ऑफ चैप्टर 15। चैप्टर 15 का क्वेश्चन नंबर ए भी याद कर लीजिएगा। और जिन बच्चों को शॉर्ट आंसर यानी कि क्वेश्चन नंबर ई नहीं याद है वो बच्चे क्वेश्चन नंबर ई को अगेन रिमेंबर कर लेंगे। ओके, अब मैं अपने क्लास में यहीं पर स्टॉप कर रही हूँ, लेकिन एक बार फिर से समझा दूँ। फोर नंबर है डैश इज एन एम्यूजमेंट पार्क इन मुंबई। मुंबई का जो रोचक पार्क है वो कौन सा है, तो ईजल वर्ल्ड है। उसके बाद फाइव नंबर क्या है, द डैश इज द कमर्शियल एंड कल्चरल सेंटर ऑफ मुंबई। मुंबई का व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र कौन सा है, तो फोर्ट है यानी कि किला है। ओके, तो होमवर्क भी आप समझ ही लिए हैं, क्वेश्चन नंबर ए भी याद करना है, और जिनको क्वेश्चन नंबर ई नहीं याद है वो बच्चे ई भी अगेन रिमेंबर कर लेंगे। अब मैं अपने क्लास को यहीं पर स्टॉप करती हूँ। क्लास को स्टॉप करने से पहले मैं क्या देती हूँ, तो मैं एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। ओके, तो आज का आपका गुड हैबिट टिप है क्या है, एवॉइड प्लेइंग इन द किचन। ओके, खेल के दौरान हमें प्लेइंग आउटडोर्स या प्लेइंग है ना, प्लेइंग करते हैं अगर हम खेलते हैं तो उसमें हमारे क्या होनी चाहिए आदतें,
तो ये है अवॉइड प्लेइंग इन द किचन, रसोई घर में खेलने से बचे, क्योंकि रसोई घर जैसे आप इंडोर गेम खेलते हो ना, तो आप बच्चों को ये दिमाग होगा कि इंडोर गेम यानी कि घर के अंदर खेला जाता है, तो आप ये सोचते हो कि घर के अंदर हम कहीं पे भी खेल लें, बिल्कुल नहीं, बेडरूम और किचन में नहीं खेलना चाहिए। बेडरूम में इसलिए नहीं कि लोग आराम करते हैं, है ना, इसीलिए नहीं खेलना चाहिए कि लोगों को डिस्टर्ब होगा, और किचन में इसलिए नहीं खेलना चाहिए, किचन में हार्मफुल थिंग्स होते हैं आपके लिए, जैसे गैस स्टोव है या चूल्हा है, जो भी है वो है, शार्प ऑब्जेक्ट जैसे नाइफ होते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मिक्सर है ना, जूसर, ये सब होते हैं, इलेक्ट्रिक केटल होते हैं, तो जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे आप खेल रहे हो तो आपका पूरा ध्यान खेल की तरफ होता है, तो उन सारी चीज़ों से अगर आपको टक्कर लग गया, वो अगर गिर गया आपके हाथ पैर पे, तो आपको नुकसान पहुंचेगा, इसीलिए हमें किचन में नहीं खेलना चाहिए। तो आप अगर इंडोर गेम यानी कि लूडो वगैरह खेल रहे हो, तो आप घर के बरामदे में, दरवाजे पे, या हॉल या ड्राइंग रूम में खेल सकते हो, ना ही बेडरूम में, ना ही किचन में। तो सभी बच्चे इस बात का खास ध्यान रखेंगे। तो आपको कौन सी गुड हैबिट फॉलो करनी है, अवॉइड प्लेइंग इन द किचन, इस गुड हैबिट को फॉलो कीजिएगा, और जो होमवर्क मैंने दिया है याद करने को, उसे याद कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।